बिहार का एक लड़का जब बड़े सपना देखता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक दिन उस लड़के ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरा देश उसे सम्मान की नजरों से देखने लगा। वह पहला भारतीय बना जिसने लंदन स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में अपनी कंपनी को सूचीबद्ध करवाया। किसी ने ठीक ही कहा है, कौन कहता है आसमानों में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। किसी भी इंसान को अपनी बुलंदी तक पहुंचने के दौरान कई झंझावातों से होकर गुजरना पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसे ही बिहारी लाल के बारे में बताने वाले हैं जिसने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में इतने कष्ट झेले, उन सभी को दरकिनार करते हुए अपनी मंजिल को आज प्राप्त किया। एक समय था जब लोग उसे कहते थे छोटी चिड़ियां बड़े आसमान में नहीं उड़ सकती। उस बिहारी लाल ने बता दिया कि तंज कसने वालों को कि कैसे जवाब दिया जाता है। आज यह शख्स देश में ही नहीं विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। इस व्यक्ति के बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज यह जान लीजिए कि जब उसने अपने विरोधियों को जवाब देने की शुरुआत की तो सबसे पहले उसने अपनी कंपनी को लंदन स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवाया, और वह व्यक्ति देश का पहला व्यक्ति था जिसने यह कारनामा किया था। हम आपको जिस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं उस व्यक्ति को लोग आज माइनिंग मुगल यानी कि अनिल अग्रवाल के नाम से जानते हैं। उन्होंने ट्वीट में बताया कि साल 2003 में किस तरह से कंपनी वेदांता को लंदन स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि रातों रात लंदन जाने का फैसला किया था। अपने ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि आप में से अधिकांश लोग मुझे 2003 में लंदन स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में अपनी कंपनी को सूचीबद्ध कराने वाले पहले भारतीय के रूप में जानते हैं, और इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में आगे आप विस्तार से पढ़ें। इस पूरे ट्वीट में उन्होंने जो कुछ भी बताया उसे सुनने के बाद आप कहेंगे सच में यह इंसान कमाल का है। उन्होंने लिखा कि जब मेरी पत्नी किरण को इस बात का पता चला कि हम रातों रात लंदन जाने की तैयारी में हैं तो उसने सोचा कि मैं बहक गया हूँ। वो हमारी बेटी प्रिया के स्कूल गई और वहाँ प्रिंसिपल से बेटी के लिए केवल 6 महीने की छुट्टी मांगी, क्योंकि उसे यकीन था कि हम इससे ज़्यादा दिनों तक लंदन में टिक नहीं पाएंगे। फिर भी उसने बिना कोई शक जताए हमेशा की तरह मेरा सपोर्ट किया और सब कुछ अरेंज किया। मैंने उसके लिए ज़्यादा सामान पैक नहीं किया, लेकिन माँ के हाथ का बने पराठे और बाबूजी का शॉल आशीर्वाद के रूप में अपने साथ रख लिया। उन्होंने आगे लिखा कि जब हम हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरे तो मैंने खुद को जैसे अलग दुनिया में पाया। अलग भाषा बोलने वाले विदेशी लोग, ठंडा बारिश जैसे मौसम और ऊंची सफ़ेद बिल्डिंग। इस दौरान मुझे उन लोगों की याद आई जिन्होंने मुझे कहा था कि छोटी चिड़िया बड़े आसमान में नहीं उड़ सकती। बहुत दिनों के बाद मन में डर उत्पन्न हुआ। उस समय बाबूजी के शॉल को अपने चारों ओर लपेट लिया और ऐसा लगा जैसे उनका तेज, उनका आशीर्वाद मेरी रक्षा कर रहा है। उन्होंने मुझे यह बताया था कि उनका ध्यान हमेशा यात्रा पर होना चाहिए, न कि उसके अंत पर। वे कहा करते थे कि जब तक आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसका आनंद लेते रहेंगे तो आपको अपना मनचाहा रास्ता जरूर मिल जाएगा। यह पूरी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ, लेकिन महज 15 साल की उम्र में माता पिता का बिजनेस छोड़ चल निकला सपनों की अपनी दुनिया में। पहले पुणे, उसके बाद सपनों की नगरी मुंबई। इस इंसान ने अपने कैरियर की शुरुआत स्क्रैप डीलर से की, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज यह देश के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार है। इनका धातु और तेल एवं गैस का कारोबार है। आज युवाओं को दूसरों की बातों को सुनकर पीछे हटने की जरूरत नहीं है, डटकर सामना करने की जरूरत है और कड़ी मेहनत, जिसके बाद सफलता आपके कदमों में होगी, जो कि अनिल अग्रवाल ने कर दिखाया है।